आज से कुछ साल पहले जब मैं मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री का लोगो दिया था जो अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। उसे कितने साल हो चुके हैं प्रेयर में? आई थिंक 7 से 8 साल आपने मिनिस्ट्री का लोगो नहीं देखा होगा अभी तक। वो पुराना चल रहा है, वो मैंने नहीं बनाया, वो ऐसे ही टीम ने बनाया हुआ। क्योंकि जो परमेश्वर ने मुझे विजन दिया था उसको डीप समझने के लिए, उसको प्रेयरफुली रखने के लिए अपने सामने और उसको सामने लेके जाने के लिए एक ग्रेस की जरूरत थी। हालेलुया। अब बाइबल में अगर आप देखेंगे तो 4 तरह के सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका, हाँ, यहूना। जहां बाइबल में 4 नंबर आता है वहां बैलेंस आता है। आपके जो बेड है उसके कितने पावे हैं? हाँ, 4। हाँ, 4 मतलब बैलेंस। जब 4 शब्द आता है तो बैलेंस आता है। प्रकाशित वाक्य 5, उसकी 5 आयत जब हम अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं, और उसके बाद यहोजकेल 1 उसकी 1 से 14, प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 1 से 7। पहले मैं सबसे पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य 4 उसकी 1 से 7 आयत को। इन बातों के बाद जब मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वह कहता है, यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, उस सिंहासन पर कोई बैठा है, जो कोई उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र यानी व्हाइट कपड़े पहने हुए बैठे हैं। उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। उन सिंहासनों में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं और वो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। 4 चेहरों का जिक्र बाइबल में किया गया। जब उन 4 चेहरों को हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं तो वो इस तरह के थे। इसको फुल स्क्रीन पे दिखाओ। एक चेहरा इंसान का, एक शेर का, एक उड़ते हुए उकाब का और एक बैल का। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये परमेश्वर का एक मैसेज था। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो आलसी ना हो, वो बेस्ट हो। वो क्या हो? वो बेस्ट हो। इन चेहरों के बारे में हम बात करेंगे आज संडे शाम को, जब तक ये खत्म नहीं होता। 4 तरह के सुसमाचार हैं और ये 4 सुसमाचार परमेश्वर हमें पहले से ही दे रहा है। और उसने प्रकाशित वाक्य में भी कहा कि एक का चेहरा शेर के समान, एक का मनुष्य के समान, एक का बैल के समान और एक का उड़ते हुए उकाब पंछी के समान था। जब हम शेर की बात करते हैं, शेर दिखाता है बड़े दिल को, साहस को, ताकत को, लीडरशिप को, ना डरने को। अगर आप देखें तो जंगल में जो सबसे ताकतवर जानवर है वो शेर नहीं, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। अगर शेर और टाइगर की बाघ की लड़ाई हो जाए तो बाघ उसे हरा सकता है और 100 में से 70-80 बार उसे हरा देगा, लेकिन फिर भी जो बाघ है वो जंगल का राजा नहीं, जंगल का राजा शेर को ही बोला जाता है। पता है क्यों? शेर का अगर आप पोस्टमार्टम करें उसका हार्ट बड़ा होता है बाघ से भी। शेर मर जाएगा लेकिन लड़ना कभी नहीं छोड़ेगा, पीछे कभी नहीं हटेगा, मर जाएगा वो। अगर बाघ को लगेगा कि मैं मर रहा हूं वो भाग सकता है, शेर को लगेगा अगर मैं मर रहा हूं वो भागने की कोशिश नहीं करता, वो लड़ता है, उसका हार्ट बड़ा है। अगर हम एक चेहरा शेर के रूप में देखते हैं उसका एक मतलब है। दूसरा चेहरा उसने कहा कि वो चेहरा एक ऑक्स के, एक बैल के समान था। जब हम बाइबल में हम ऑक्स को देखेंगे हम मेहनत को देखेंगे। आज हर बंदा शेर बनना चाहता है,
लेकिन इन चार चेहरों को पूरे किए बिना आप इफेक्टिवली याजक नहीं बन सकते। और अगर आप असरदार याजक नहीं है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ये चर्च, मैं ये बात आपको 16 साल से बता रहा हूं, 15 साल से जैसे मैं प्रीच कर रहा हूं कि मैं विश्वासियों की चर्च नहीं चाहता हूं, मैं पास्टर्स, आप पास्टर्स हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप सेवक हैं, आप परमेश्वर की सेवा करने वाले, ये मैं कब से बता रहा हूं आपको, ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि वो विश्वासियों की मंडली नहीं चाहता हूं जो कंफर्टेबल सरमन सुनने के लिए आते, पास्टर साहब से हैंडशेक करते, प्रार्थना करवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। मैं आपको चैलेंज करने के लिए आया हूं क्योंकि मैं बाइबल को आपकी लाइफ में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं। मैं वो लोग नहीं देखना चाहता जो हीलिंग के लिए बैक करते रहे, जो प्यार के लिए भीख मांगते रहे, जो हमेशा डाउन लाइफ जीते रहे। मैं आपको बेस्ट लाइफ देने के लिए जितना हो सके आपको वचन की उतनी गहराई में लेके जाऊंगा। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर कमांड करता हूं, जिंदगी आज से सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।